आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल हर रेस्टोरेंट्स में होता है, होटल्स में होता है और घरों में भी होता है। यह बिजनेस ऐसा है जिसका डिमांड पूरे साल होता है। दोस्तों, तो इस बिजनेस को आज हम डिटेल में जानेंगे कि इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, इसमें किन किन प्रकार की मशीनों का यूज होता है, इनमें किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, वह रॉ मटेरियल किस प्राइस पे हमें कहां से मिलेगा और इसकी मार्केटिंग और सेल्स हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एल्युमिनियम फॉयल मेकिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल फूड के पैकिंग में होता है। इसका इस्तेमाल आपको होटल्स में देखने को मिलेगा, रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेगा और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको घरों में भी देखने को मिलता है। एल्युमिनियम फॉयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल पूरे साल होता है। एल्युमिनियम फॉयल बनाने की जो मशीन आती है वह करीब 2 लाख रुपए के बीच में आती है। इसके अलावा आपको लगभग 50,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल भी चाहिए इसके रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए और पैकिंग के सामग्री को खरीदने के लिए। तो करीब करीब यह बिजनेस आपका 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में स्टार्ट हो सकता है। इस बिजनेस को आप एक 10x10 के कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल मेकिंग का बिजनेस बहुत ही सिंपल है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आपको एल्युमिनियम के एक बड़े से रोल को छोटे छोटे रोल में बनाकर सेल करना है। बस आपका यही काम है और यह काम आपको यह मशीन बहुत ही आसानी से करके देती है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो एक दिन में यह करीब 2000 से 2500 रोल बना के आपको देगी। यह क्षमता आपकी मशीन के कैपेसिटी पे डिपेंड कर सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से आपको 2 प्रकार का रॉ मटेरियल लगता है। सबसे पहला एल्युमिनियम फॉइल का रोल जो मार्केट में 250 रुपए से लेके 300 रुपए पर केजी में उपलब्ध है। दूसरा होता है पेपर रोल जिसकी कीमत करीब 40 रुपए से 45 रुपए पर केजी होती है। अगर हम इसके यूनिट इकोनॉमी की बात करें तो 9 मीटर के एल्युमिनियम फॉइल को बनाने में आपको 25 रुपए का खर्च आएगा। वहीं यह होलसेल मार्केट में करीब 30 से 35 रुपए के बीच में बिकता है। तो इस प्रकार अगर आपका मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो करीब 5 रुपए आपको बचता है। तो मोटा मोटा आपको यहाँ पर करीब 15 से 16% का प्रॉफिट होता है। वहीं अगर आप इसको रिटेल मार्केट में बेचें तो इसकी प्राइस आपको काफी ज्यादा होगी। वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन 50 से 60% होता है। अगर आप इसको ऑनलाइन बेचें तो वहां पर इसकी प्राइस और भी ज्यादा आपको मिलेगी। तो इसके सेल्स और मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज आपको अपना एक अच्छा ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है जो काफी कैची हो। आपको एक अच्छा लोगो बनाना है जो इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो। आपको अपने पैकेट का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना है। आप किसी ग्राफिक डिजाइनर की मदद ले सकते हैं इसे डिजाइन करवाने के लिए। इसके बाद आप 2 तरह के मार्केट को ट्राई करें। सबसे पहला B2B मार्केट जिसमें कि आप होलसेल मार्केट में से सेल करेंगे, होलसेलर को सेल करेंगे। आपको सिटी टारगेट कर लें जहां पर कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल करेंगे। आप डायरेक्ट रिटेल मार्केट में भी इसे सेल करें, दुकानों को सेल करें, उन दुकानों को ही होलसेलर बना दें। इन सब के अलावा आप होटल्स और रेस्टोरेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, उनके डायरेक्ट वेंडर बन जाएं, उनको माल सप्लाई करें। इनके साथ साथ आप इनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पे भी सेल करें। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं तो इससे 2 प्रकार का आपको फायदा होता है। एक तो वहां पर आपका ब्रांड क्रिएट होता है और उस ब्रांड का फायदा आपको अपने रिटेल मार्केट में, आपको अपने होलसेल मार्केट में मिलेगा। दूसरा, ऑनलाइन सेल होने पे आपका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब दे। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।